यकीन करें ईरान का जो सलाद है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। हेलो लवली बट ही इज सो गुड। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? वाह। लेके जा रहा हूँ, मुझे पता था कि भाई कुछ धमाकेदार होने वाला है। अलावा ये आप देख सकते हो कि इसका तरीके कार के साथ। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बात कर रहे हैं भाई, ये ईरान है। ईरान में आप देख ले बिल्कुल यूरोप की तरह कार्ड अंदर करो और वो खुद ब खुद पैसे कट जाएंगे। और भाई दुकान भले खुली हो या ना, लेकिन आप लोग सिर्फ कार्ड से पैसे कट जाएंगे और यहाँ से फिल करो और निकलो। हाँ मोहम्मद ब्रदर, आई एम रिकॉर्डिंग ऑफ यू। का पूरा जो है सिस्टम यहाँ पर अच्छा है, ये लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं। आपको इस दरख्त पे ये चीज़ नज़र आ रही है, अजीता बोल रही है कि इसके ऊपर ये जो लगाया हुआ है और ये स्किन भी हो जाता है। तो मैंने बोला कि ये क्यों लगा हुआ है, तो उसने बोला कि यहाँ पर जितने भी ये ओल्ड ट्रीज़ है ये सारे के सारे हुकूमत ने मतलब गिने हुए और हर दरख्त पे जो है उन्होंने ये नंबर लगाया हुआ है। तो भाई इससे उन लोगों को मतलब सबको पता चलता है। तो भाई अगर हमारे वहाँ पर होता तो हमारे वहाँ पर भाई तो कोई भी आ जाता है और दरख्त को भाई काट लेता, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? I am from Pakistan. Pakistan? Yes. Yes. How are you? I am good. Good. Okay, see you brother. Bye bye. यहाँ पर ये जो बूढ़े लोग ज़्यादातर होते हैं ना, 40 से जो ऊपर होते हैं, ये लोग बहुत अच्छा खासा गपशप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बंदा मिला असर के टाइम पे, मैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन बहुत अच्छे अंदाज से मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। तो जब ऐसे बंदे आपको मिल जाते ना, ये किसी टूरिस्ट बंदे से आप पूछ ले, या बंदा वो बंदा जो बाहर घूमने के लिए जाता हो, किसी टूरिस्ट बंदे से आप पूछ ले कि भाई आपके साथ जब ऐसा कोई बंदा मिल जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, यकीन करें दिल इतना खुश होता है। अभी इन लोगों के साथ मज़ा आ रहा था, वो लोग बात करने लगे थे, लेकिन हम जा रहे और अभी यहाँ के बज रहे तकरीबन 10 और पाकिस्तान के बज रहे 11:30। और भाई यहाँ से मैंने सुबह सवेरे निकलना है शिराज की तरफ और वो भी हिचहाइकिंग के लिए, तो भाई बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम जल्द वापसी आने की कोशिश करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? यहाँ पर ये लोग खाने के लिए कुछ पूछ रहे हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? बाकी आप देख ले, यहाँ पे ये लोग कुछ पूछ रहे, देख ले कि ये लोग क्या पूछना चाहते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टाइम? वाह, सारा बता रहा हद है भाई। ये जो है जब फर्स्ट टाइम हम लोग ताजिकिस्तान गए हुए थे, 2-3 दफ़ा मैंने आपके वीडियो में बताया, ये वाला जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है कीड़े का अच्छा जिसको बोलते हैं, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त होता है। बाकी यहाँ पर हर किस्म की चीज़ यहाँ आप लोग खुद आके उठा सकते हो। इसका जो अपना एक प्राइस होता है वो प्राइस बिल आप पे के आप ले सकते हो। ये देखिए पूरा का पूरा बाजार। हेलो ब्रदर, आई डोंट नो लवली व्हाट इज लवली बट ही इज सो गुड, रियली अमेजिंग। हेलो।
भाई मोहम्मद भाई ने जब बोला ना कि भाई मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूँ, हाउ आर यू दूरबीन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, तो जब उसने बोला ना कि भाई मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, मुझे पता था कि भाई कुछ धमाकेदार होने वाला है। अजीता बोले थी कि मुझे इस जगह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। ये बाज़ार सिर्फ और सिर्फ जो है रात के टाइम ये बाज़ार खुला रहता है, बाकी ये दिन के टाइम बिल्कुल फुल बंद रहता है। हेलो ब्रदर, यकीन करें आज का जो नाइट है ना ये मुझे बहुत याद आएगा, क्योंकि मेरा लास्ट नाइट है और कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगा चिराग। ये देखिए सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ खुद रख सकते हैं और फिर उसके अलावा ये आप देख सकते हो कि इसका तरीके प्रकार के इसलिए मोहम्मद भाई कहाँ गए। मैं जाऊंगा शिराज और यही इस बाज़ार का कल लेके आया भाई, अल्लाह करे कि कॉपीराइट का मसला आना है, वरना पूरी की पूरी वीडियो जो है दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। ये भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सलाद में ईरान में बहुत किस्म के सलाद ये लोग तैयार करते हैं और यकीन करें ईरान का जो सलाद है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, और ये लोग इस सलाद को शिराजी सलाद बोलते हैं, शिराजी शिराजी सलाद। भाई शवारमा शवारमा तैयार। हेलो ब्रदर, हेलो हाउ आर यू, काफ़ी सारा वहीं से लेके वहीं तक मैं आप लोगों को घुमा लाया और दोबारा से एक बार फिर आपको दिखाना चाह रहा था। तो अगर यहाँ पे कोई आना चाहता है और यहाँ पे आते हो तो भाई ये वाला जो एरिया है इसको आप कभी भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जगह है। सामने आप बिल्डिंग देख सकते हो, इस बिल्डिंग के सामने वो लिखा हुआ है ईरान होटल, इस बिल्डिंग के सामने बिल्कुल ही सेम इसके सामने ये आपको हिंदू टेंपल नज़र आएगा। ये तो मेरे ख़्याल में अभी बंद है, लेकिन यहाँ से हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और ये नहीं पता मुझे कि भाई ये खुला रहता है या नहीं, यहाँ पर लोग आते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर लूँगा। अभी मैं खुद ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ कि मैं इनका जो मंदिर होता है मैं उसी के अंदर चला जाऊँ। पिछले साल तकरीबन मैं गया था राजस्थान के साइड पे जो जिसे थरपारकर बोलते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, वहाँ पर भी हम कुछ मंदिर के अंदर ही गए थे, बहुत जो कि बहुत ज़्यादा पुराने थे। अब ये वाला भी दिल बहुत करता है लेकिन कोई भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और ना किसी को अभी इस टाइम जाने नहीं दे रहे। अब कंफर्म मुझे नहीं पता कि दिन के टाइम ये खुला रहता है या बंद रहता है, मैं अजीता से पूछ के इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बता दूँगा। बाकी अगर यहाँ पर कोई आना चाहते हो तो ये टावर है इसके बिल्कुल सामने, आप पूछ लो, अगर आपको अंदर जाने देते तो भाई आप जाके इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा जी, मोहम्मद भाई बोले कि ये दिन को खुला रहता है लेकिन रात के टाइम जो ये बंद होता है, तो भाई अगर यहाँ पे कोई आना चाहते हैं अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हो तो भाई आके आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, दिन के टाइम खुला रहता है। आज जो है यकीन करें हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है लास्ट नाइट में, यकीन करें कि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि आज हम इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सके, ये अल्लाह का करम है। और यकीन करें इन लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज दूसरा दिन है कि भाई कल भी पूरा दिन और के टाइम भी और फिर नाइट के टाइम भी और आज भी, यकीन करें पूरी सिटी के अंदर ये मुझे घुमा रहे, पूरी सिटी के अंदर। खुशकिस्मती ये है मेरी कि इनके पास अपनी गाड़ी है। ये सिटी सेंटर का बहुत बड़ा बाज़ार है, एक ओल्ड बाज़ार था जो मैंने कल आपको दिखाया था वो नहीं, ये नया बना हुआ है, ये वाकई आप देख सकते हो। इस मंदिर की पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक इंडियन भाई आए हुए थे और उसने वीडियो बनाई थी, मैंने उसकी ईरान की जो जितनी भी सीरीज थी सारी की सारी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी सीरीज उसने बनाई थी। फाइनली जी हम वापसी आ गए, तकरीबन रात के बज रहे यहाँ पे 12 और पाकिस्तान में तकरीबन 1:30 के आसपास बज रहे, और सुबह हमने निकलना है भाई, मैंने निकलना है शिराज की तरफ भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज वाली जो वीडियो है लाजमी पसंद आ गई होगी, अगर आ गई है तो लाइक करें, चैनल भी साथ में सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ के शिराज की तरफ रहिएगा हमारे साथ, अल्लाह हाफिज़।